पक्ष में है, क्या करने दिया? वो तो बाहर निकला गया, लगे जो है पुलिस लग जा लगा देते है, पब्लिक मीटिंग नहीं करने देते उनकी। वो तो आप अभी हम तो जो बीजेपी को हरा उसके पक्ष में करा बहुत के, जब वो सत्ता में था उनने इतने कार्य करे हमारे बहुत ज्यादा, अब तो उसी पीछे लग रहे क्या। स्वागत है आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज़ पर। आज हम, जैसे कि आपको पता है, कैराना विधानसभा क्षेत्र के उन कस्बे में हैं। ये नगर पंचायत है कैराना विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव 6 महीने बाद होना है, प्रदेश सरकार का जो कार्यकाल है वो 6 महीने बचा है, तो 4.5 साल के कार्यकाल में जो प्रदेश सरकार की उपलब्धियाँ हैं उनसे कितने खुश हैं। जी, क्या नाम है जी? ऋषिपाल गोयल। गोयल जी, 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, 6 महीने प्रदेश सरकार के कार्यकाल के रहे हैं, 4.5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार का पूरा हो चुका है, तो कितने खुश हैं आप भारतीय जनता? बिल्कुल भी खुश नहीं, लूट का भगा दिए इन्होंने, गुंडा राज का तो खात्मा हो गया जी। गुंडे राज का तो खात्मा हो गया, ये तो मानते हैं आपके, लेकिन बाकी तो लूट का भगा दिए, और कुछ नहीं, कोई विकास सिवा हिंदू मुस्लिम के इन पर और कुछ आता ही नहीं। इन्हें लोकदल खत्म करने के लिए वो हिंदू मुस्लिम कराया था, दंगा इनका कराया हुआ था, अगर से अजीत सिंह को ख़त्म कर दोगे तो, और वो भी कहीं इनका काम चलने का नहीं। तो व्यापारियों के लिए तो कार्य किए हैं भारतीय, व्यापारियों के लिए तो कोरोना शटर में बैठा, बाकी सब खुला रैली कर रहे हैं, दिनों के पीछे कोरोना बैठे, दुकान तो बंद कर दो, शटर के पीछे कोरोना है। 2022 के विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, आपकी कैराना विधानसभा सीट है, समाजवादी पार्टी के विधायक यहाँ से हैं, तो उनके कार्यों से कितना खुश हैं? उनके कार्यों से संतुष्ट हैं हम। क्या कार्य कराए उन्होंने क्षेत्र में जिनसे? कार्य तो सत्ता में रहे जब कराए, सत्ता में नहीं, सत्ता में क्या कार्य करना, कर दिया इन्होंने, उसे वहाँ भेज, उसे वहाँ भेज, जेल में बांट दो, ये कर दो, वो कर दो, कर दिया इन्होंने कुछ। सत्ता में रहते हुए क्या कार्य होते? सत्ता में रहते हुए जो काम किए लोगों के, काम किए उन्होंने। तो 2022 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी तो जो बीजेपी को हरा उसके पक्ष में करा गई, एंटी बीजेपी है हम, किसी पार्टी के नहीं, हम तो एंटी बीजेपी है, जो हमें बीजेपी को हराता दिखेगा उसे वोट करेंगे। इतनी नाराजगी की वजह क्या है? नाराजगी इन्होंने किया ही नहीं, सिवाय हिंदू मुस्लिम के कुछ किया नहीं, कुछ भी। इसके अलावा कुछ और ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी। 22 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो किन मुद्दों को लेकर मतदान करोगे इस बार? मुद्दों को हम तो सिर्फ समाजवादी और लोकदल को देकर खुश हैं हम, और किसी सरकार के लिए पक्ष में नहीं है ना हम किसी और वोट देने के। तो समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ और इसके लोकदल के गठबंधन में पक्के हैं हम, इनको वोट करने की वजह क्या है? वजह क्या है? इसने कोई काम किया, वजह क्या है गठबंधन को वोट करने की? रोज लोगों को लूट रहे, मार रहे, पीट रहे, कर रहे, रख ले रहे, हम सरकार को मुद्दा ले रहे, सरकार मुद्दा क्या कर रही है हमारा बताओ, क्या विकास कर रहा है? बच्चे हमारे ठप बैठे घर, हमें पढ़ाने के लिए नहीं कोई कामयाब मिल रही, करो क्या करेंगे हम बताओ, ना बताओ। तो गुंडागर्दी खत्म होगी? नहीं होती, जब यह सरकार बदलेगी जब ही खत्म होगी। तो समाजवादी पार्टी की आप बात कर रहे हो, किन मुद्दों को लेकर वोट करोगे? समाजवादी पार्टी ने ऐसा क्या कार्य किया जो आप वोट? जो सरकार पहले काम किया वो बढ़िया किया उन्होंने। जो क्षेत्र के विधायक हैं आपके, नाहिद हसन कैराना से दूसरी बार विधायक हैं, उनके कार्यों से कितने खुश हैं? उन्होंने सब कुछ किया हमारे क्षेत्र में, सब काम किया जो सत्ता में रहे, काम किया उन्होंने पूरा। जी, आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सरविंद कुमार है। 2022 के विधानसभा चुनाव में 6 महीने रह गए हैं, तो किन मुद्दों पर मतदान करोगे इस बार? भाई महंगाई के मुद्दे पर मतदान करेंगे, जो महंगाई कम लाएगा उसे वोट देंगे। 4.5 साल का कार्यकाल योगी सरकार का पूरा हो चुका है, कितने खुश हो? 1% भी खुश नहीं है, क्या कर रहे, बिजली उतने आसमान छू रही है, हाँ, और महंगाई आसमान छू रही है, देख लो आप भी, हाँ, डीजल भी, डीजल कहाँ पहुँचा दिया, आप हरियाणा को देख लो, मरीजड़ का प्रदेश है, तो वहाँ भी तो भाजपा की सरकार है। नहीं, वहाँ कितनी सस्ती बिजली है, यहाँ भी भाजपा की सरकार है, यहाँ तो बिजली आसमान छू रही है, हाँ, बिजली के बिल है जो पहले आ रहे थे 700-800 रुपये के, 2200-2300 के आ रहे हैं। तो 2022 का चुनाव नज़दीक है, तो किस पार्टी के पक्ष में मतदान करोगे, किन से उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो इन पर तो रही नहीं, इन्होंने लूट भगाया, हाँ, किसान लूट दिए, देश लूट दिया, देश बेच दिया, जो देश को बचावेगा
किसान हित में कार्य करेगा हम तो सपोर्ट देंगे। और किसान पंचायत अध्यक्ष के चुनाव है, 67 जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा के बनेंगे प्रदेश में। वो तो पता, वो तो सबने देखा हो क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो सबने है। वो तो जबरदस्ती ले लिए उन्होंने लट मार मार के। हाँ, तो 2022 में किसके पक्ष में वोट करोगे? जो बीजेपी को हराएगा। किससे उम्मीद है? उम्मीद तो सपा से और लोकदल से है। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं आपके, लगातार दूसरी बार यहाँ से विधायक हैं, उनके कार्यों से कितना खुश है? नहीं, उसका कार्य तो सर रोज जेल में गिर रखे, उसका कार्य तो किसी ने करने नहीं दिया उसे। बताओ, विपक्ष में है क्या करने दिया? वो तो बाहर निकला गया, अलग जो है पुलिस लग जाल लगा देते हैं, पब्लिक मीटिंग नहीं करने देते उनकी। हाँ, वो तो आप अभी देख लो, अब तो मीडिया हो आप तो सब देखते हो। 2022 का विधानसभा चुनाव है नजदीक आ रहा, 4.5 साल का कार्यकाल योगी सरकार का भी सब तक खराब रहा। योगी सरकार का किसान के गन्ने पे एक पैसा नहीं बढ़ा। किसान सम्मान निधि तो मिल रही है। क्या निधि से चूत लो, 6,000 रुपए दे दिए साल भर में, क्या हो? खाद कितना बढ़ा दिया, 7 रुपए यूनिट है कहीं इतनी महंगी। DAP पर बढ़ा दिए, यूरिया पर बढ़ा दिए, और हमारे चूतर में छूट दिया। अब किसान नहीं दी, इसे भी ले जो अपने बब्बा के हाथ में दे लियो। 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ? कतई भी नहीं। बताओ क्या भ्रष्टाचार चरम पे है, गुंडागर्दी का खात्मा न के होगी? रोज अखबार नहीं पढ़ते, नहीं कुछ देखते अखबार इतने बलात्कार। अरे जिस जिला पंचायत में देख ले, एक महिला के कपड़े ही फाड़ दिए, और भ्रष्टाचार तो गुंडागर्दी कहाँ होगी? भाई यानी बताओ, गुंडागर्दी इससे ज्यादा हो सकेगा? एक महिला पर्चा दाखिल करने जा रही, उसका चीरहरण ही कर लिया इन्होंने, तो गुंडे कौन है? तो कहाँ रोक देंगे? 2022 में किस उम्मीद है, किस पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे? हम करेंगे अपने के लोकदल के। ये सीट कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और लोकदल का गठबंधन की बात है। हाँ, और समाजवादी पार्टी के यहाँ से विधायक भी है। हाँ, दूसरी बार लगातार विधायक है, पहले तो यही बता दीजिए कि उनके कार्यों से कितने खुश हो? उनके कार्य से हम पूरे खुश हैं, पूरे। क्या क्या जब वो बहुत किए, जब वो सत्ता में था उनने इतने कार्य करे हमारे बहुत ज्यादा, अब तो उसी पीछे लग रहे। क्या नहीं किया उसने? अखिलेश ने सबसे ज्यादा पैसे बढ़ाए, मायावती ने बढ़ाए, इन जो बढ़ाया। आज स्टील ले लो कहाँ पूछा रखी इन्होंने, सीमेंट ले लो, ये तो पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों की कहाँ है? या जो जो मारा वो है उसमें जो है उसे खत्म करना चाह रहे, जो बीच वाला है हमारा जी। ये तो भाई ऊपर ही रहेंगे। कृषि कानूनों के तहत आप मान रहे हैं? अरे कृषि कानूनों के नहीं, सरू के तहत किसानों को बता कहाँ क्या दिया इन्होंने आज तक किसानों को, बता दो। 6,000 हमारे पति ले लो, ये तो 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या करोगे इस बार? अरे ऐसा आराम होंगे, सिर की डब तो ठोकेंगे इसे। तो किसके पक्ष में वोट करोगे, किससे उम्मीद है, कौन? अरे हमने बता तो दिया लोकदल, और लोकदल का जिससे पैक्ट होगा उससे। तो सपा रालोद का जो गठबंधन है? हाँ, कोई भी आओ गठबंधन में उसे ही वोट करेंगे। तो ये नगर पंचायत शामली जनपद की ऊन है, और यहाँ के कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद थे, कुछ व्यापारी भी थे, तो किसान वर्ग के लोग भी हमारे साथ थे, जो भारतीय जनता पार्टी के 4.5 साल का कार्य है काल है उससे काफ़ी नाराज लोग नजर आ रहे हैं। आगे भी हम खैराना विधानसभा क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों में जाएंगे, अन्य विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करें।